हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए सिंपली मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप बैकग्राउंड म्यूजिक किस तरीके से अपने यूट्यूब वीडियो में ऐड कर सकते हो। वो प्रोसेस, वो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो है या नॉलेजेबल भी, वीडियो को पूरा देखिए। मुझे उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ जाने वाला है जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। काइन मास्टर ऐप से ऐड करना है भाई, किस तरीके से ऐड करना है वो मैं तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, लेकिन सारा कुछ मतलब उसमें मैंने नहीं समझाया भाई। तो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा छोटा छोटा वीडियो क्लिप में, उस पर भी बनाऊंगा और आप लोग के साथ शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। शुरू करते हैं, और उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में, तो बिल्कुल आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का है। और आपको मैं बता दूँ कि आप म्यूज़िक कहाँ से डाउनलोड करोगे, ठीक है। आपको मैं बता दूँ, YouTube ऑडियो लाइब्रेरी होता है ना भाई, वहाँ से आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। तरीका क्या है, अगर आप YouTube पर सर्च करोगे ना, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे मतलब वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पे लोग बताएंगे आपको कि इस तरीके से डाउनलोड कीजिए, इस तरीके से डाउनलोड करिए, ठीक है। तो मैंने भी इस पर एक खास वीडियो बनाकर रखा है, तो इस वाले वीडियो को आप ज़रूर देखें, और आपको सिंपली समझ में आ जाने वाला है भाई कि आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी अपने फ़ोन से भाई, ठीक है। अपने फ़ोन से आप डाउनलोड कर सकते हो म्यूज़िक, और अब काइन मास्टर ऐप के थ्रू आप वीडियो में ऐड भी कर सकते हो बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक सिंपली समझ में आ गया होगा मैंने क्या आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब यहाँ पर मैं ऐड करके दिखाता हूँ भाई किस तरीके से ऐड किया जाता है, ओके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पर सिंपली आपको सबसे पहले काइन मास्टर ऐप को इस तरीके से ओपन कर लेना है, और वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है भाई, जिस भी वीडियो को आप एडिटिंग करना चाहते हो, जिस भी वीडियो के बैकग्राउंड में आप म्यूज़िक ऐड करना चाहते हो, सिंपली ये समझो, ठीक है। तो यहाँ पे ना देखो मेरा वीडियो आ चुका है, तो ये थोड़ा वर्टिकल इस टाइप का, ठीक है भाई। तो मैं इसको मतलब हॉरिजेंटल किस टाइप का करूँ, तो मैं दिखाता हूँ। वीडियो का जो ये वाला दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर सिंपली इस तरीके से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है भाई। इन सब का यूज़ कैसे करना है वो मैंने उस वाले वीडियो में बताया, पिछले वीडियो में, तो उसको आप ज़रूर देखना, काइन मास्टर से रिलेटेड जो है, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई देना ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ना भाई, ये वाला रोटेट का, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से मैं इसको, इसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया ना, तो यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया है, ओके भाई। तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। अब यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को मैं यूज़ करता हूँ, और इस तरीके से वो हट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वीडियो को एडिट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो मैंने यहाँ पे ऐड किया है ना, ये MS धोनी के घर का है भाई, ठीक है, माही सर के घर का है, रांची का है भाई। तो हम लोग पहले घूमते थे ना, तो वहाँ पे मतलब ये वीडियो मैंने छोटा सा वीडियो क्लिप लिया था, तो ये काफ़ी छोटा है भाई। तो इसको ना मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको स्लो करूँगा। स्पीड का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। सबसे पहले देख लेता हूँ, इस तरीके से है ये, इस तरीके से है, ठीक है। तो अब मैं स्पीड है ना, देखो 0.5x पे कर दिया मैंने, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्लो किस तरीके से करना, ये स्लो हो गया। अब इसका वॉल्यूम भी मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, अगर आप बोलने वाले वीडियो में भी ऐड करना चाहते हो, जैसे मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसमें किस तरीके से म्यूज़िक को ऐड करना, मैं इसमें भी ऐड कर दूँगा, ठीक है, आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। और हल्का इसको ना पूरा कम कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे अब इस वीडियो का जो भी वॉल्यूम है पूरा कम हो चुका है भाई, जो साउंड है ही नहीं इसमें, देख लो, आपको सुनाई दे रहा होगा, नहीं है इसमें। अब इसके ऊपर मेरे को ना मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करना है अब इसमें, ठीक है। तो सिंपली ऑडियो वाले ऑप्शन पर जाएंगे भाई, और किस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है वो तो आपको मैंने बता ही दिया भाई। तो कहाँ है देखो, यहाँ पे मेरे पास तो कोई खास है नहीं अभी, एक इसको सुन लेता हूँ पहले, ये है, और एक ये है, ये ज़्यादा सही लग रहा नहीं, कॉपीराइट म्यूज़िक। तो यहाँ से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ भाई सिंपली, ठीक है। देखो इस तरीके से ये ऐड हो गया, ओके भाई। यहाँ पे तो वैसे भी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, आपको पता ही है। तो देखो ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है ना, जब भी आप रांची जाओगे ना, तो MS धोनी का जो घर का जो गेट है, ये देख लो,
तो ये मेरा हो चुका है भाई, कुछ इस तरीके से मैंने ऐड करके आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको मैं यहाँ से हटा कर दिखा देता हूँ। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रिम स्प्लिट का ऑप्शन है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रिम टू राइट और प्ले हेड का जो ऑप्शन है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद इस साइड का जो हिस्सा है वो देखिए हट चुका है भाई, ठीक है। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस था जो कि मैंने आप लोग को आज की इस वीडियो में बता दिया। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिंपली सारा कुछ समझा दिया है, ठीक है। तो किस तरीके से ऐड करते हैं वो भी आपको पता चल गया। और अगर आप चाहे जैसे बोलने वाली वीडियो में ऐड करते हो ना, तो आप इस वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना, म्यूज़िक पे, ठीक है। बैकग्राउंड म्यूज़िक जो भी आपने ऐड किया उसके ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप ना चाहते हो अगर इसका भी साउंड थोड़ा अपने हिसाब से मैनेज करना, तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हो। ये अभी 100 है, तो मैं चाहता हूँ इसको मतलब 50 या 60 कुछ इस तरीके से, जो भी आपको सेट करना, 8-9। बोलने वाले वीडियो में तो 10-12 इस तरीके से करना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपका आवाज़ भी क्लियर समझ में आए और मतलब यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक भी मतलब आना चाहिए, ठीक है। और आप अपने हिसाब से ऑडियो लाइब्रेरी से अपने बैकग्राउंड म्यूज़िक को डाउनलोड कर सकते हो। किस तरीके से डाउनलोड करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, तो उस वाले वीडियो को देखिए। आप मोबाइल से कर सकते हो भाई, ठीक है। और कोई भी कॉपीराइट वगैरह नहीं आने वाला, यहाँ पर कॉपीराइट फ्री है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से ऐड करते हैं, मैं फिर से आपको सुना देता हूँ, देख लूँ। बहुत ही आसान है भाई, बहुत गर्मी है यार। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते फिर कौन है वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, और आप अपना ख्याल रखें।